वेलकम, बहुत बहुत स्वागत है आपका एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस दैट वंडरफुल कप ऑफ टी एंड द टेस्टिंग ऑफ टी. चाय, आपको कहाँ से ये आइडिया आया कि आप पूरे भारत में घूम घूम के तस्वीरें लेके चाय के बारे में बताएं दुनिया को? हाँ, चाय एक बहुत ही सुंदर विषय है और हम दोनों को क्रिएटिविटी पसंद है, नेचर पसंद है, तो उसमें तो बहुत फिट हो जाता है ये विषय और हमारी सभ्यता का बिल्कुल अंदरूनी हिस्सा है. और इसके लिए ये इससे अच्छा विषय हमें, मेरे को तो कुछ मिला नहीं और इन्होंने मेरे पूरा साथ दिया, क्योंकि ये भी उसी, इनका भी वही फ्रेम ऑफ माइंड है कि सुंदर सुंदर चीज़ों को अपने फोटोग्राफी में लें और मेरा है फ्रेम ऑफ माइंड कि सुंदर सुंदर विषय के बारे में लिखें. इतनी खूबसूरत तस्वीरें, ओ हो 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 हो. सो आप ये बताएं कि ये कैसा आपको अनुभव रहा पूरी मतलब इंडिया में घूम घूम कर? देखिए रेखा जी, जो रेखा और दीपक बड़े परम मित्र हैं मेरे, और रेखा जी ने काफ़ी रिसर्च करी थी और आज से 4-4.5 साल पहले जब इन्होंने मेरे को अप्रोच किया कि मैंने ये सारी रिसर्च करी है तो क्यों नहीं कुछ तस्वीरें भी डाल के एक सुंदर सी किताब निकाली जाए, तो जब मैंने रिसर्च देखी तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा और मेरे को लगा कि किसी ने बहुत काम किया है इस पे. और उस समय जब मैं वो देख रहा था उनके कागज़ सारे रिसर्च के, तो मेरे दिमाग में घूम रहा था कि चाय के बागान कितने सुंदर होंगे. चाय हाँ, बस वहीं पे चलना शुरू हो गया था और मैं अपने आप को वो उन चाय के बागानों में पाने लग गया था और इस तरह से ये जर्नी शुरू हुई. 4.5 साल इस पे मैंने काम किया, रेखा जी ने तो शायद उससे भी ज्यादा किया. 6 साल आपने रिसर्च करी, 4 साल आपने तस्वीरें खींची. ये बताएं कि 6 साल आपने रिसर्च करी, 4 साल आपने तस्वीरें खींची, तब आप चाय पीते थे 6 साल पहले भी, और वो 6 साल पहले वाली चाय और वो 6 साल बाद वाली चाय में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, बहुत बहुत फर्क है. पहले तो मैं चाय बिल्कुल कम पीती थी और ऐसे ही पी लेती थी, कभी पी कभी नहीं पी, पर अब वो मुझे शाम के कप का, शाम का चाय का कप कुछ और ही अंदाज से, एक ही पीती हूँ मैं शाम को, पर उसको जो मैं अब मेरे से चुस्की ले लेके और अब वो मुझे पता है कौन सी पत्ती पी रही हूँ कौन सी नहीं पी रही, आज ये मूड है आज वो मूड है. किसने कितनी पत्ती तोड़ी, किसने कितनी पत्ती तोड़ी, उसमें तो सोच के बहुत लगता है कि हम कितनी चीज़ें इस ज़िंदगी में हम ऐसे ही अपने सोचते हैं कि है बस है, टेक फॉर ग्रांटेड, यू नो. एक सैशे हो, हाँ हाँ आप बता रही थी, बताएं. हाँ मैंने, हाँ ये है कि एक सैशे मतलब 1 किलो हरी पत्ती में 2-4 हज़ार स्टेम होती हैं जो तोड़ते हैं वर्कर्स, एक एक करके तोड़ते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो. कुछ आपको किताब में शॉट्स मिलेंगे जो राजन जी ने लिए हैं, बारिश में रेनकोट पहन के भाग रहे हैं फैक्ट्री की तरफ आ रहे हैं, तो वो बेचारी कितनी गर्मी में कैसे जाते हैं, और वो फिर 2000-4000 पत्ती जैसे मैंने कहा का 1 किलो बनता है और उस 1 किलो में से 215 ग्राम काली पत्ती जो हमें दिखती है पैकेट में, वो 215 ग्राम ही मिलती है. तो आप उससे कैलकुलेट करिए कि एक कप में आपके कम से कम जो 3 ग्राम है उसमें 40-60-70 स्टेम्स तोड़ी होंगी किसी ने, जो कि हम ऐसे ही पी रहे थे पहले, पर अब हमें लगता है कि देखो किसकी कितनी मेहनत जा रही है. फिर उसके बाद जो टेस्टिंग जो दूसरे, और उसकी चाय में एयर का बड़ा, हवा कितनी उसको विदरिंग करनी है, किसकी कितनी फर्मेंटेशन, हर चीज़ में बहुत जजमेंट चाहिए. सो इसमें बहुत दिमाग और इसमें बहुत मेहनत, और जिन्होंने डिस्कवर भी की है चाय, जो ह्यूमन परसिवियरेंस, जो इंसान को हम तो सल्यूट करते हैं कि इंसान में इतना है कि वो इतनी मेहनत से कोई चीज़ पहले डिस्कवर करें, फिर उसको फिर तोड़ें कैसे, तोड़ें फिर उसको बनाएं कैसे. बिल्कुल, लेकिन आपको अब चाय का लुत्फ ज़्यादा आता है. हाँ बिल्कुल, 6 साल बाद. बिल्कुल, थैंक यू सो मच. ये एक प्याली चाय से किस तरह इश्क हो जाए, यू हो जाएगा आपको ये किताब पढ़कर चाय. सो प्लीज़ डू रीड, इट वॉज फैंटेस्टिक एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द इंटरव्यू एंड अ लवली लवली इवनिंग एंड वंडरफुल कप्स ऑफ टी. एक प्याली चाय, लवीना टंडन, आज तक लंदन.
है।